सर मेरा नाम रानी है, मैं पिछले 3 महीने से काम कर रही थी कप्तान साहब के यहाँ। और वो मंगल जो है वो बोलते हैं उसको, छोटे फालवर है ना, वो भी वहाँ काम करते हैं, खाना वाना बनाता था। तो उससे कोई काम ऐसा बिगड़ गया था तो मेम साहब ने उनको डांट के भगा दिए थे। और उसके दूसरे रोज हमसे एक प्लेट थी, वो चीनी मिट्टी की आती थी ना, तो वो हमसे गिर के टूट गई। तो मेम साहब हमको डांटने लगी कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो, तुमसे काम होता नहीं है, अब निकल गए बंगला से जाइए तुम। तो सर मैं अपने अपने मन में ठान किए चली आई कि चलो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, आज से मेरा काम छूट गया, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे बच्चों को पालूंगा। सर मैंने रोते रोते वहां से चली आई। फिर मैंने अपने मन में कुछ गूंजा, ऐसे गंदी सवालें गूंज ली कि मैंने जा रही हूँ कि एसपी साहब को मैं ऐसे ऐसे करके बदनाम कर दूंगी, ऐसे ऐसे फंसा दूंगी ताकि मुझे दोबारा यहाँ मौका मिले आने के लिए। तो कहना है कि अब वहां जाने के बाद मीडिया मैंने निकलवा दिया और सकल कागज ऑनलाइन करवा दिया सर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो गलती हुई है क्षमा कीजिए, और मेरा साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो इस तरह के जो हम अपराध लगाए वो नहीं है, वो बहुत सही आदमी है। कि हम गंदा इल्जाम उनके ऊपर अपने से लगाया है, कोई हरकत हमारे साथ वो नहीं किए सर। इसलिए मैं माफी मांग चाहती हूँ कि मुझे माफ किया जाए, और शायद कुछ मैं गलत गंदा रूप में अपने से लगाई, किसी कहने पे नहीं, और ना मेरे साथ साहब किए थे कोई गलत काम। सर इतने के लिए मैं माफी मांग चाह रही हूँ आप लोग से। एसपी जो कौसाम्बी के एसपी हैं, वो सर हमारे साथ बहुत गलत तरीके से सलूक किए थे, हमको छेड़छाड़ी किए थे, और वहाँ काम करते थे जैसे मैं, तो देखती हूँ सारी कहानी तो आपको हम बताए गए सर, कि हम बहुत लाचार आदमी, ऐसे ऐसे आदमी कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन सर हमको न्याय दिलाना चाहिए, हमको न्याय चाहिए कि एसपी हमारे साथ ऐसा आरोप क्यों किया, और इसके जितने छोटे कर्मचारी ही क्यों किया ऐसा, क्या चाहते थे वो? क्या नाम है उसका? ब्रजेश नाम है, ब्रजेश एसपी, वो श्रीवास्तव है एसपी कौसाम्बी। हाँ, हमको दिल आ गया है, हम ये बात तुमसे कह रहे हैं, ये बात किसी से कहना नहीं है, न मेम साहब का शक देना, न शक कराना उनके सामने तुम जी बातों को। तो हम कहो सर हमसे किसी से मतलब नहीं है, फिर ये संकेत दिलाई हमने मैडम जी से कि मैडम जी हम काम नहीं करेंगे, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेगी, बात सही है, हम संकेत दिलाएंगे कि हम काम नहीं करेंगे। तुम कह रानी क्यों काम करो, अपना बच्चा पालो, अपना पेट भरो, अपना जो है पति का इलाज करवाइए, आप काम में लगे रहिए। तो मैडम हाँ तो यही बात बोले, तो ये कहें कि चलो ठीक है हम नहीं करते थे सर, हमको मजबूरी कर दी, हमको छेड़े 2 बार 3 बार, हमको बेड पे गिराए, हम उठ के ठाड़ हो जाती थी, हम उठ के ठाड़ हो जाती थी सर तुरंत, और पूरा प्रयास हमारे साथ ये करने के लिए इसकी सर समझो सर, जे ब्लाउज तक हमारा फटा है, हमारे जो है वो फटा था सर, हम झूठ नहीं बोलते, पिन लगी थी साड़ी, इसलिए था 1:30 बजे से फट गई। तो बताइए सर ये न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? 14 तारीख का है ना, 14 तारीख को ये थे वहाँ मीटिंग में, ठीक है, मीटिंग में थे, और यहाँ 2 फालवर थे खाना बना रहे थे, एक मंगल फालवर थे, एक और कोई फालवर था खाना बना रहा था, हम अपनी माँ का सेवा सर्वास कर रहे थे, ये चले गए वहाँ से आए थे, आ गए मान लो 11 बजे आ गए, फिर माता राम खाए, आप भी खाए, अपन दारू भी पिया, मछली बनवाए थे, मतलब वो दारू कौन पिया? साहब ने पिया, एसपी साहब, हाँ एसपी कौसाम्बी ने, हाँ तो वो दारू पिया, अपने मछली भी खाया और मछली भी बनवाया, और फिर शराब भी पिया, तो एक चक्कर तो हमसे पानी जब शराब पीता था तो उसके मुंह सूखता था, क्या सूखता हमको ये नहीं पता, तो हमें बार बार पानी मंगा रहा था, उसके घर तक भी पानी मतलब नहीं था, तो हमसे भरवा रहा था कि रानी हमारा घर ले जाके पानी भर को हमारे कमरा में, ठीक है हमको उसको भी दिया, ऐसे मतलब कि हमको हर काम को सहित था कि अपने कमरे में बार बार बुलाना के कोशिश करता था, ठीक है ना, फिर दोबारा हमको बुलाया कि रानी एक गिलास पानी ले लो, ठीक है सर, हमने पानी लेके गए थे वहाँ पे, हमने जब पानी लेके गए थे तो वो कहें कि ऐसे बेड है, ऐसे बेड पे हम पानी रख दिया, वो मेज थी उस पर पानी जब रखे हम, तो ये कह रहे हैं कि सर भागती हो रही हो रानी, अरे रुको बैठो तो बताए हम, रानी हमारे आज मीटिंग में बैठे बैठे बहुत कमर दर्द कर रही है, हम थोड़ा से लाल तेल है हमारे कमर में मालिश कर, तो हम घबरा गए सर उसमें कि बताइए इतना बड़ा अधिकारी है हमारा जैसे कैसे मालिश करवाएगा जी,
कैसे करवाएगा, हम कैसे कर सकते हैं? और अभी तक फालवर थे, जींस थे, उनसे नहीं करवा लिए, उनसे करवा लेते, हम कौन होते हैं? तो इस तरह तो हम बोले नहीं सर, ये नहीं होगा हमसे, हम लेडीज हैं, हम कैसे मालिश करें आपकी? तो कहने अरे नहीं माल, आप कोई नहीं है, माता राम सो रही है, आप गदरमग मचाइए, धीरे बोलिए और चलिए मालिश करिए। हम तो ठीक है मजबूर भाई, हम तो करें, लगाए तेल लगाए, फिर बस सर जाए, आपका मालिश हो गया जाए। तो कहे हाँ रुको, मालिश कर दिए है, रुको एक मिनट रुको, ठीक है सर, हम तो ठीक है, खड़े खड़े ऐसे भाई ऐसे मालिश किया उसका। फिर वो कह रहे हैं कि सुनो मेरी बात, तुम मुझे थोड़ा से मौका दीजिए आपको छूने के लिए। मैं बोली जी सर मैं समझी ना है आपकी बात, अब कहना आप छूने के लिए मुझे मौका दो, हम इसलिए आपको काम में रखा था कि आप एक महीना दो महीना से काम हमारे क्या करती, तीसरा महीना जी लग गया था, हमको मतलब आप पर दिल बहुत आ गया, हमको दिल आ गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।